टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 21A एक्सरसाइज 21A ऑफ चैप्टर सॉलिड्स. एक सेकेंड बच्चे दिवांशु तू बोल भी सकता है ना? यस सर. तो मैसेज लिखना जरूरी होता है. सॉलिड्स. अब इस चैप्टर के बच्चे हम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस. द एक्सटीरियर लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 78 एंड 19 एंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर्स. Calculate the exterior height of the box. Exterior height we have to find. Closed. Box is closed. Means length, breadth and height. Each is subtracted. Thickness is subtracted two times. Exterior length, exterior breadth, exterior height. Inner length, inner breadth and inner height. Exterior length and breadth are given 78 centimeter and 19 centimeter respectively. And the capacity of box, inner length kitni aayegi? Thickness is given 1.5. So inner length 78 minus 1.5 minus 1.5. 3, 78 minus 3, we get 75 centimeter. Breadth 19 minus 1.5 minus 1.5. 3 is subtracted from 19, we get 16 centimeter. Height, we don't know. Now, volume of box is given. Volume of box, abhi, that is given 15 cubic decimeter. Decimeter unit is to be denoted as dm. Dm meter, cube. 1 decimeter. Yes, Ipshita, how many centimeter? Yes, sir. 1 decimeter is how many centimeter? Sir, 1,000 centimeter. 1 by 1. 1 upon 10 centimeter. No, sir, 1,000. Sir, वो decameter में होगा फिर. बकिचे, ये cube बाद में करेंगे ना. पहले तो 1 decimeter पूछ रहा हूँ ना मैं. I am asking 1 decimeter only. First of all, kilometer is the biggest unit. Then hectometer. Then deca, dam. Then meter, then decimeter, then centimeter, then millimeter. Decimeter to centimeter. One step downwards. Sorry. 10 centimeter. Not 1 upon 10. Downwards ja rahe hain bachche one step. To kya hoga? 10 se multiply. 1 decimeter 10 centimeter ke equal hai. So 1 decimeter cube. Cube of this side, then cube of this side also, right hand side. We get 1,000 centimeter cube. That means 1 decimeter cube is 1,000 centimeter cube. And 15 decimeter cube is equal to 15 into 1,000. That is 15,000 centimeter cube. Understood? And volume. Volume inner hoga or outer hoga? Yes, Dharya. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉक्स वो एक्सटीरियर वॉल्यूम होगा और इंटीरियर वॉल्यूम होगा और दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा. सर सब्ट्रैक्ट होगा. हमने वुड का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना बच्चे, हमने बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है. यू आर सिटिंग इन अ रूम, इसके एक्सटीरियर डायमेंशंस भी हैं, इंटीरियर भी हैं. देन वॉल्यूम ऑफ योर रूम इज इंटीरियर वॉल्यूम और एक्सटीरियर और सब्ट्रैक्शन इंटीरियर. Understood? LBH, small LBH, interior. These are interior units. Length is 75. And breadth is 16. Height we have to find. Height as like, we get 15,000 divided by 75 into 16. 75, 2s are 150. Saath mein 2 zeros. 16, 4s are. 4s are? 50 to 25. Height we get 25 upon 2 centimeter.
और वी कैन से 12.5 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर. नाउ एक्सटीरियर हाइट पूछी है बच्चे उन्होंने, एक्सटीरियर हाइट. कौशल यस, कौशल एक्सटीरियर हाइट कितनी होगी? यस बच्चे. सर मैंने लेट ज्वाइन करा है. पता है मुझे तूने लेट ज्वाइन करा है, आई नो वेरी वेल. तो खुद सोचो बच्चे टाइम का. मैं अलार्म लगा के थोड़ा छोड़ूंगा तुम्हारे घर में, यहाँ 6 o'clock हो गए अभी ज्वाइन करो या 7 o'clock हो गए अभी ज्वाइन करो, खुद ही ज्वाइन करना पड़ेगा. सर नहीं काम चल रहा था इसलिए मैंने लेट ज्वाइन करा है. ओके एक्सटीरियर हाइट बच्चे, इंटीरियर हाइट प्लस थिकनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स. एक्सटीरियर हाइट प्लस थिकनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स 12.5 प्लस 3 वी गेट 15.5 सेंटीमीटर इज द आंसर, दैट इज द एक्सटीरियर हाइट. आज क्लियरिटी कुछ ज्यादा है कि ठीक है कि कम है? सर सही है. हाँ सही है. यस सर. पहले से सही है? यस सर बेहतर. ओके एक्चुअल में ना यहाँ इसमें फीचर था जूम ऐप में, मुझे पता ही नहीं था कि HD वीडियो भी हो सकती है. दिस इज HD नाउ. तो सर्च किया तो हो गया. नाउ द 14th सम बच्चे. यस बच्चे किसी को डाउट हो इस सम में? एनीवन हैविंग डाउट? नमन को छोड़ के, नमन ने लेट ज्वाइन किया मैं उसको नहीं बताऊंगा. यस अर्गुन सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम एक्सटीरियर हाइट. एक्सटीरियर हाइट बच्चे दिस इज द इंटीरियर हाइट. जब वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर बॉक्स इज गिवन ना, इंटीरियर बॉक्स उन्होंने नहीं मेंशन किया, हमने खुद सोचा, हमने खुद अपना माइंड यूज किया, दैट्स द कैपेसिटी और इसका वॉल्यूम. बॉक्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द इंटीरियर वॉल्यूम ओनली ना, वी तो दैट इज स्मॉल LBH इंटीरियर डिमेंशन. वी कैन फाइंड द इंटीरियर हाइट. हाउ टू फाइंड द एक्सटीरियर हाइट? अब एक्सटीरियर से इंटीरियर फाइंड करना है तो माइनस हो रहा है, इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड करेंगे तो प्लस नहीं होगा बच्चे. थिकनेस टू टाइम्स दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी. 1.5 दिस वन, 1.5 दिस वन. ओके अंडरस्टूड? यस सर. नाउ द 14th सम. स्नेल देव अंडरस्टूड बच्चे? हाँ सर. Now, sir, वो लास्ट वाला पार्ट नहीं आया. This one ना? Yes sir. बच्चे मुझे एक बात बताओ. This is the interior height from here to here. From here to here. This is exterior height. This is 1.5 thickness. This is also 1.5 thickness. Interior height we have find that is 12.5. तो exterior height क्या होगी? 1.5 डाउनवर्ड से ऐड हो जाएगा और अपवर्ड से ऐड हो जाएगा, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एक्सटीरियर? ऐड कर दिया बच्चे बस. ओके सर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. नाउ 14th सम क्वेश्चन नंबर 14th. द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब. The square on the diagonal of a cube. बच्चे इसमें थोड़ा सा टफ बन जाता है फिगर, बट चलो. दिस इज अ डायगनल, यस और नो? दिस इज अ डायगनल ऑफ स्क्वायर ना, क्यूब सॉरी डी टू ए. मैंने नेमिंग की है इसके अंदर, ए को डी से ज्वाइन करेंगे, दैट इज द डायगनल ऑफ क्यूब ना. यस और नो इप्सिता? यस सर. द स्क्वायर ऑन द डायगनल. अब स्क्वायर पे क्या बोला उन्होंने कि कहते एक डायगनल पे एक स्क्वायर बना दिया. ये मैंने अलग से फिगर बनाई है, स्क्वायर थोड़ा सा गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ. ये डायगनल था ए डी, अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस डायगनल, हैज एन एरिया, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज गिवन, लेट द
साइड बी एस, डायगनल को एस बच्चे ले लिया, मतलब जो डायगनल पे स्क्वायर बना हुआ था यहाँ पे ऐसे ऐसे, उसके साइड को मैंने एस डिनोट कर लिया. एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है विच इज ऑन द डायगनल, दैट इज गिवन 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिवांशु, एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. Side by side, नहीं, side into side, that is S square, okay? By नहीं बोलते होते, into side, understood? Yes, sir. Okay, now side square, side becomes square, becomes square root 1875. What is the square root of 1875? Factorize 1875. 25 root 3. Okay. 25 into 25 into 3. We get side is 25 root 3 centimeter. Now side. Yes, Kaushal. Side of square is what is in cube? Sir, it is diagonal of cube. Yes. Therefore, side of square aagi bache hamare paas. That is the diagonal of cube. Diagonal of cube. Unhone yehi bola hai na bache? Ki a square is constructed on the diagonal. Square on the diagonal matlab diagonal hai jo us pe square construct kiya hua hai. Diagonal of cube is we have find 25 root 3. नमन, डायगनल ऑफ क्यूब का बच्चे फॉर्मूला. डायगनल ऑफ क्यूब का बच्चे फॉर्मूला पता. आर्या, आर्या इज नॉट देयर. व्हाट हैपेंड विद आर्या? आर्या है ज्वाइन ना. देव, डायगनल ऑफ क्यूब identity. Dev, sir, nahi malum. Snail, no. Sukhjinder, sir, may I? Yes, Divanshu. Sir, root L square plus B square plus F square. This is cube, but beta, not cuboid. That is the sir, formula for cuboid. B square hota hai. A root 3. दिवांशु, yes sir. जो तूने ना ये बंदर वाली फोटो लगाई है पहले तो इसको चेंज कर. जीबे निकाल रहा है मेरे को, वो मेरे से मार खा लेगा वो. ठीक है, चेंज कर लेना क्लास के बाद. अच्छा, अभी चेंज कर ली. वेरी गुड. ए इज 25 सेंटीमीटर. ए की वैल्यू बच्चे आ गई. व्हाट इज ए? ए इज द साइड ऑफ क्यूब. यस देव, अंडरस्टूड? ए रूट थ्री. यस सर. फॉर्मूला यू हैव टू लर्न. डायगनल ऑफ क्यूब, ए रूट थ्री. रूट थ्री, रूट थ्री इज कैंसल. व्हाट वी गेट? ए इज 25 सेंटीमीटर. दैट इज द साइड ऑफ क्यूब. नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव फाइंड. नाउ द सेकेंड पार्ट, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब. Yes, Joya. Formula of total surface area of cube. Sir, cube का total surface area sir 6 square. पहले तो अपनी picture on कर. Sir, आज laptop नहीं है, आज mobile है. कोई बात नहीं, mobile पे कर ले. Sir. Sir क्या sir? Sir mobile में नहीं ना. Sir today there is only me. Yeah. 6 square. Finally, कोई तो है. सर हम भी तो रोज सर मोबाइल पे लगाते. सर हम भी तो करते. सर इसको बोलो, सर करेगी. हमारे कहने पे तो कर नहीं रही. चलो कोई बात नहीं बच्चे. 6 ए, टाइम ना वेस्ट करें हम. पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया. 6 इंटू 25 इंटू 25, व्हाट वी गेट? 625 इंटू 6,
सर 3750 3750 आज क्वेश्चन फॉर्म में है ना वेरी गुड दिस इज आंसर एनी डाउट एनीवन हैविंग डाउट नो सर नो सर हरगुन नो सर समझ अंकित सर नहीं है यार अंकित उन्होंने देखो बच्चे क्या बोला है अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल डायगोनल ऑफ क्यूब क्यूब दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब ना एडी इसके ऊपर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट है स्क्वायर का एरिया गिवन है हमें जो इसकी साइड है स्क्वायर की उसको एस लेट कर लिया मतलब डायगोनल को भी एस लेट कर लिया हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर 1875 स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई व्हाट इज एस साइड ऑफ स्क्वायर और वी कैन से डायगोनल ऑफ क्यूब और वी कैन से दैट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब ना यस सर डायगोनल ऑफ क्यूब फॉर्मूला a root 3 is 25 root 3 because we have find this one root 3 is cancelled a we get 25 centimeter that is the diagonal of cube now total surface area 6 a square is the identity fill the values and get the answer okay sir yes sir understood abhi So, are you understanding? Chalo. 15 sum. A hollow square-shaped tube. A hollow square-shaped tube open at both ends. Means, this is a tube. Square shaped tube means this is a square and this is also square. Side faces, two side faces are square. Jo maine dark kiya bache, this is a square. This is a square. Open from both type means open from this side and this side. Jahan pe ticks laga di. Open from these two sides. Is made up of iron. The internal square is 5 centimeter side. जो इंटरनल है वो 5 सेंटीमीटर साइड है मतलब दिस वन दैट मींस ब्रेथ एंड हाइट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर ब्रेथ इज आल्सो 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो 5 सेंटीमीटर अंडरस्टूड स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ ट्यूब मींस दिस वन 8 सेंटीमीटर L is given 8 centimeter. There are 192 centimeter cube of iron in this tube. Iron, volume of iron is given. That is 192 centimeter square. Find its thickness. Thickness we have to find. Now open from this and this side. Now. This is the thickness. Same way niche downwards. Now exterior length. Let thickness be x. यहाँ पे चलो मैं बाद let thickness be x. Then exterior length b becomes. Ipshita. So. 8 plus x plus x 8 centimeter so plus x bhi to hoga no sorry sir kyu sir uski thickness hai to uska wo bhi to aayega bacche mujhe ek baat bata this is open na to is side thickness hai length ki na is side hai to length to utni rahegi interior bhi aur exterior bhi sorry Okay, yes. Understandable. Breadth, this one. Breadth is changed because thickness is there. Breadth becomes 8 plus x plus x. Breadth is side se bhi add hogi, thickness hai.
इस साइड से भी ऐड होगी, 8 प्लस 2x सेंटीमीटर, ऐसे ब्रैकेट डाल के सेंटीमीटर. एक्सटीरियर हाइट सर वो 5 है. सॉरी, इफ्शिता ने गलत करवा दिया. फॉल सर मैंने तो बताया है. नहीं 8 बोला था. फॉल सर 5 बोला था. 8 बोला था. चल कोई बात नहीं, 5 बोला था. मुझे 8 सुन गया. लुधियाना से बठिंडा पहुंचते पहुंचते तो 5-8 बन ही जाता है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. इंटीरियर और एक्सटीरियर वाले क्वेश्चन सर. बच्चे ये ऐसे लगा के चल, सिर्फ ये लगा ले बस. एक साइड फेस बना दिया मैंने. ये लेंथ है, इसके अंदर नहीं वैसे, ये लेंथ है. Yes. इस साइड ये इंटीरियर लेंथ है, ये एक्सटीरियर लेंथ है. तो दोनों साइड से थिकनेस ऐड हो जाएगी ना बच्चे, एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए. एक्सटीरियर भी ऐड करेंगे. लेंथ में नहीं ऐड होगा ना बच्चे, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड दीज आर ओपन. ओपन है ना, जब ओपन होगा जिस साइड से ओपन होगा वहां वो मतलब ऐड नहीं होगी थिकनेस. इस साइड भी नहीं होगी, उस साइड भी नहीं होगी. तो सर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेंथ विल बी सेम. या सिंपली कौशल पाइप तो देखी है बच्चे तूने? यस सर. और दिस इज अ पेन. पेन के बच्चे मैंने ये इस साइड से ओपन नहीं हो रहा. चलो ये पेन है, दिस अ पेन. अब ये थिकनेस है इसकी, ये दोनों साइड से ओपन है. सपोज इस साइड से भी, इस साइड से भी ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स. इस साइड से बंद है पर मान लो ओपन है, हो गया ओपन. चलो ठीक है, ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स. यस सर. नाउ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर लेंथ इज सेम और नॉट, लेंथ ऑफ पेन? यस सर. अब यहां से ब्रेथ, थिकनेस है जो दोनों तरफ से ऐड हो रही है, इस साइड से भी इस साइड से भी. ये तो सर्कुलर है, ऐसे ही बच्चे क्यूब होता तो दोनों साइड से ऐड होती ना ब्रेथ में, हाइट में. Yes, भी दोनों sir. तरफ से ऐड होगी. बस ये चीज है बच्चे, लेंथ शुड रिमेन द सेम बिकॉज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाई द लेंथ इज सेम. ब्रेथ एक्स एक्स, दिस साइड तो 5 + 2x. एक्सटीरियर हाइट कैपिटल एच, हाइट इज ऑल्सो चेंज downwards and out upwards, 5 plus x plus x, that we get 5 plus 2x centimeter. Now volume of iron is given 192 centimeter square. Volume of iron, ek second bache, who is sitting downwards? Jashan, yes bache, volume of iron, how we can find? जशन आर यू लिस्टिंग बेटा? जशन बच्चे ऐसे नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा. देखो गलत होगा यहां पे तो ही सही होगा, अदरवाइज सही नहीं हो पाएगा. हरगुण Yes, sir. How we can find the volume of iron? Anvesha? Excuse me, sir. Just wait, bache. Anvesha? The external volume minus internal. Yes, external volume minus internal volume. Yes, bache. Ab poochho kya pooch rahe the. कौन पूछ रहा था बच्चे बोलो? Nothing sir. Who? जशन? Yes sir. बच्चे बोल क्यों नहीं रहे थे पहले? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी. ओए ऐसे ना कर. चलो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्मॉल एल बी एच, 192. कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच, हियर दिस वन 8, 5 + 2x, 5 + 2x. 8 5 + 2x × 5 + 2x. Internal length breadth height 5 5 8. 5 × 5 × 8, 192.
लेंथ बच्चे 8 थी, लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. नाउ 8, यस बच्चे, तो ये एल बी और एच के छोटे में वो इंटरनल के हैं. हाँ जी बच्चे, वो इंटरनल ही था, तो अभी तो एक्सटीरियर यहाँ पे लिखा है ना, कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच. 8 5 + 2x 5 + 2x, इसको मैं एक स्टेप इंक्रीज कर देता हूँ, 5 + 2x² लिख दिया. 200 becomes positive on that side, right hand side पे लेके जाएंगे तो positive हो गया. 5 + 2x² add 392, 8 multiply here becomes downwards. 8 × 4 = 32, 72, 9. Now 5 + 2x² is equal to 49. Yes, Ipshita. What we can do now? So square becomes square root. No, side. Sorry. So usko fold dega. Sorry. Factorization chapter kiya nahi bache. Ipshita. यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो दो values आएंगे x की. उसको को solve करेगी तो सही है, मतलब बस factorization से ही करना है. वो भी सही है, गलत नहीं है. 5 + 2x² becomes square root. तो plus minus आ जाएगा. That is also correct. And one method factorization, क्योंकि मुझे ये है कि fifth chapter में थोड़ा सा revise हो जाएगा इससे. सब वो मेरे माँ पे भी वो बताया था. चलो 5a + b 49 को बच्चे 7² लिख सकते हैं. 0 5 + 2x + 7 5 + 2x - 7 दोनों को बच्चे अलग अलग जीरो की इक्वल कर दो. 2x = -12 and x is -6, that becomes rejected. Length can't be negative. From here, 2x - 2 becomes +2 ho jayega na, 5 - 7 - 2, us side leke jayenge +2, and x we get 2/2, 1. Therefore, thickness is 1 centimeter. Answer, yehi bachche humne find karna tha. Is it okay? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. तो ये जो आयरन था वो हमारी इनर और आउटर के अंदर आउटर के बीच में था, तभी हमने उसको माइनस फाइव ताकि इस पैन के अंदर प्लास्टिक, बता प्लास्टिक का वॉल्यूम कैसे निकालेगा. जो प्लास्टिक लगा हुआ है, ये एम्प्टी पैन है. एम्प्टी पैन मतलब दोनों साइड से ओपन है, जो मैंने अभी तेरे सामने किया है. इसका जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें, उसको कैसे फाइंड करेगा उसका वॉल्यूम. एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेगा ना. यस सर. तभी प्लास्टिक का वॉल्यूम, आयरन पाइप है बच्चे, वो स्क्वायर शेप पाइप है इस टाइप की, ओपन है मतलब अंदर से तो एम्प्टी है ना वो. यस सर, एम्प्टी है. तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, दैट इज द वॉल्यूम एक्सटीरियर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर. जो एम्प्टी इंटीरियर का मतलब जो एम्प्टी पार्ट है इसका अंदर, दैट ओके. यस सर, तो उसका हमारा क्या बच्चे. एक्सक्यूज मी सर. हां जी बेटा. सब इसे एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया. यहाँ तक आ गया 5 + 2x तक. यस सर. श्योर है? यस सर. अब बच्चे आयरन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे. कोई भी चीज है, बॉक्स ले लो, बॉक्स एम्प्टी है अंदर से, प्लास्टिक का बॉक्स है, तो प्लास्टिक का वॉल्यूम कैसे निकलेगा. वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल होगा ना. यस सर. वही चीज लिखिए बच्चे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल. एक्सटर्नल होगा तो डिमेंशन भी एक्सटर्नल के लेने पड़ेंगे. लेंथ ब्रेथ हाइट, exterior length, exterior breadth, exterior height. I have denoted it by capital L, capital B and capital H. And internal, bache, small l, b, h. Length 8, breadth 5 + 2x, height 5 + 2x. And internal, l, b, h is given 5, 5, 8. Length 8 thi, breadth or height 5, 5. Matlab given, unhone square given tha. Square jo hai, ye ra bache, jo dark kiya hua hai. So this is the breadth, this is the height. Length is given 8. Fill the values and we have to calculate only this one and nothing else, bache. Okay? Yes, sir. Now the 16th sum.
four identical cubes are joined end to end to form a cuboid. अभी हमने three cubes वाला किया था seventh sum. Same उस type का ही है. Four identical cubes. ये बन गए four identical cubes. End to end join कर दिए. If the total surface area of the resulting cuboid, total surface area of cuboid is given. This is 648 centimeter square. Snell, total surface area of cuboid formula. Dev. Sir, total surface area of cuboid is 2 into LB plus BH plus HL. Very good. Snail is here or not? Sunil like a snail hai yaar. Main to naam hi bhul jata hu. I think he is not there. No, he is not here in the class. Okay. 648. Now let the side of cube. Let side of cube is x centimeter. Then length of cuboid l डाल दिया बच्चे मैंने length of cuboid x plus x four times x add we get 4x centimeter breadth of cuboid x centimeter and height of cuboid is also x centimeter x and x breadth is same रहेगा बच्चे x height is same x रूपनीत is not there रूप नो सर अच्छा मैं क्या करूं इनका उसने जॉइन किया था सब पता नहीं क्यों चली गई लेंथ एंड ब्रेथ 4x into x प्लस ब्रेथ into हाइट x into x प्लस हाइट into लेंथ x into 4x इज 648 यू कैन फाइंड x फ्रॉम हियर यस अभी 4x into x अभी 4x into x बच्चे अन्वेषा सब 4x स्क्वायर प्रणव x into x सर x प्रणव x into 4x सर मैं ही बताऊं 4x हाँ तू ही बताएगा 4x स्क्वायर इस 648 2 4x square, 8x square plus 1, 9x square. 648. X square as like 648. Sukhjinder. Yes, sir. 2 side jaake minus hoga na? Yes, sir. The plus. So minus. Upon jayega. Minus kyon hoga? Multiply hai. This is 2 is multiplied with 9x square. Okay. Nine is also downwards. 2 and 9 are multiplied with 18x square. लेकर के भी कर सकता है. Sir. See. Yes, बच्चे. तो उसको common नहीं ले सकते. किसको? Sir, जो ये वाला. Sir, आपको और मेरा different आ रहा है. Sir, आपको यहाँ पे x square आ रहा है. मेरा 2x आ रहा है. Sir, मैंने उसमें को उसको common ले लिया sir 2 को. तो वो 4 बन गया वहां पे 4 डिवाइड बच्चे x into x क्या होता है सर 4x स्क्वायर ही आएगा सर उसके बाद सर x into x into x sir, x into x सर x स्क्वायर सर गलत कर लिया एक मिनट क्या किया तूने सर 2x और x कॉमन कैसे आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन आएगा सर वहां पे भी 4 है ना 4 और 2 और सर वो 2x कर दिया ना x स्क्वायर नहीं गया इसलिए सिर्फ 2 कॉमन आया यू हैव टेकन 2 एज कॉमन हां जी खुशागरा जी सर यहां पे वैसे x स्क्वायर सकते हैं यस बच्चे कट करो 36 क्या आएगा 20 36 ओके We get x square is 36
and x we get square root of 36. Plus minus is compulsory. 1x is minus 6 and 1x is 6. Minus 6 is rejected. Therefore, x is 6 centimeter is the side of cube. Yeah, edge of each cube. Edge of cube or side of cube is the same thing. Understood? Yes, bache? प्लस माइनस क्यों आएगा सर ये तो सर ज्योमेट्री है ना तभी तो रिजेक्ट किया है नो सर वहां पे आपने ओके सर ज्योमेट्री है चाहे कोई कुछ मर्जी है इप्सिता जब भी बच्चे स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट होगा एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन प्लस माइनस इट इज कंपलसरी ओके जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये तो अलजेब्रा है बट ये तो ज्योमेट्री में क्यों यूज करती है फिर a square plus b square plus 2ab क्यों आइडेंटिटी यूज करती है ये लगेगी ठीक है बच्चे कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है तो साइड एज ऑफ क्यूब आ गया आल्सो इसका सेकंड पार्ट फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो सेवन सम था बच्चे उसमें सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स बोला था बट यहां पे सिर्फ ओनली वन क्यूब बोला है तो किसकी टर्न नहीं आई जशन आर यू लिसनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बेटा सर टोटल सरफेस एरिया चाहे बच्चे टोटल हो चाहे अकेला सरफेस एरिया लिखा है ना तो दैट मीन्स इट इज टोटल सरफेस एरिया Understood? Yes, sir. Total is optional. लिखा है तो भी ठीक है नहीं लिखा तो भी वो टोटल ही होगा बच्चे That is always total. Surface area and total surface area is the same thing. Now, this is given. Okay? 648. And surface area of cube Jashan? Formula? So 6a square. 6a square. A. A मतलब side x we have let. 648 upon 6 into x is 6 into 6. 6, 108. 6, 18, 6, 3. तो क्या आ गया? 3 आ गया. नीचे क्या रह गया? 1. तो ratio, required ratio क्या आ गई हमारे पास? 3 ratio. 1 is the answer. Understood? Yes, तो हमारा sir. chapter exercise बच्चे ये complete हो गया है. Second exercise करवाई है बच्चे school में कि अभी नहीं करवाई? ये बताओ नो सर एक सेकंड बच्चे जिसने जिसको करवाई है सिर्फ वो बोलो यस यस सर जशन और किसको करवाई है देव तो सुनील को भी करवाई होगी और एनीथिंग एल्स खुशागरा सर चैप्टर ही नहीं शुरू हुआ क्लास में सर ओके अंकित सर सेम हेयर सर नहीं स्टार्ट हुआ सर ओके इसके बाद तो 19th चैप्टर करा दोगे सर एग्जाम्स में 19th यस सर कोई बात नहीं सर इसके बाद रेक्टिलिनियर फिगर सर 12 मिड पॉइंट सर रेक्टिलिनियर फिगर यस सर रेक्टिलिनियर करा दो सर एग्जाम आने वाले हैं सर बच्चे ऐसे खुशहाल पता है क्या है बच्चे जो 19th चैप्टर है वो हम बहुत इजी है That is so easy, 19th chapter. So, ये yes, हो चुका है या तो खुश आ रहा है इसकी वीडियो देख लेना बेटा okay, sir. ठीक है कोई भी डाउट होगा वो पूछ लेना मेरे से ओके okay, सर अभी रेक्टिलिनियर फिगर एक बार भी नहीं किया हमने इस सेशन में तो वो स्टार्ट करेंगे बच्चे 14th chapter. Understood? और वन मोर थिंग बच्चे अभी मॉर्निंग वाला जो बैच है उसके अंदर हम एमएल अग्रवाल करेंगे अभी जो चैप्टर पाइथागोरस चल रहा है ना उसके खत्म होने के बाद एमएल अग्रवाल स्टार्ट करेंगे क्योंकि तो काफी बच्चों के बच्चे डिमांड आ रही है उसकी कब से पाइथागोरस थ्योरम हमारा खत्म हो गया नहीं हुआ ना सर फिर मैं बुक मंगवा लूं मंगवा लो बच्चे हमने कितने सम्स कर लिए थे इसके हाँ जी बेटा सर आपने बताया एस सी चंद के भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस आप करवाओगे हाँ वो भी करवा दूंगा सर फिर वो दोनों बुक साथ में मंगा लेती हूँ अमेज़न से
फोर क्वेश्चन कर लेते हैं सर, फोर कर लिए थे ना कल, हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चे पाइथागोरस को, और उसके बाद हम ML. हाँ जी बेटा सर, डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट करा देना, डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट, ओके? यस सर। सर हाँ जी बेटा, सर विल यू टीच चैप्टर सर, आरडी शर्मा भी, एक सेकंड बच्चे, समवन इज कॉलिंग, हेलो, हाँ जी, हेलो,